मूवी के एक सीन को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है। अभिषेक बच्चन प्रीति जिंटा के साथ इसी जगह पे आते हैं, हालांकि वो वक्त शाम का होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं राहुल तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं वर्ष 2007 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था झूम बराबर झूम, और इस फिल्म से ज़्यादा इस फिल्म के गाने हिट हुए थे। तो जो आज मैं आपको सीन दिखाने वाला हूँ वो सीन कुछ इस प्रकार से होता है कि झूम बराबर झूम फिल्म के अंदर जो गाना है, धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के और घूंघट ही बना लो रोशनी से हूर के, ऐसे ही कुछ करके वो गाना था। तो जिसमें अभिषेक बच्चन प्रीति जिंटा को लेके हुमायूं के मकबरे पे जाते हैं। इस फिल्म की जो शूटिंग लोकेशन है आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ और साथ में घुमाऊँगा मैं पूरा हुमायूं का मकबरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहुँच चुके हैं हम हुमायूं के मकबरे पर और सामने ये टिकट काउंटर हैं, ये देख सकते हैं आप, QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। टोकन लेके एंटर होने के बाद अब हम चल रहे हैं इस साइड को। ये अंदर एंटर होने के बाद का देख सकते हैं बैकग्राउंड कैसा है, हमारे पीछे साइड में आपको दिख रहा होगा। और रास्ता जो है यहाँ से अंदर जाने का प्रवेश द्वार, इसी के अंदर से पूरा स्टार्ट हो जाता है मकबरा। और दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पर आने के लिए टिकट लेने के बाद एक पहला फर्स्ट दरवाज़ा जो था मैंने आपको दिखाया, इसके बाद सामने ही सेकंड दरवाज़ा है। अभी आ चुके हैं फर्स्ट दरवाजे को क्रॉस करके सेकंड दरवाजे पे जो मेन दरवाज़ा है अंदर जाने का। और बैक कैमरे से दिखा देता हूँ कि सामने की तरफ से लोग आते हैं और फिर ये दरवाज़ा आप देख सकते हैं, ये इस साइड में काफ़ी बड़ा है। और इसके अंदर अब चलेंगे और देखते हैं कि अंदर का दृश्य है कैसा। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं उसी जगह पे जहां पे वो सारे सीन लिए गए हैं। तो चलिए एक एक करके मैं वो सारे सीन आपको दिखाता हूं और साथ में स्क्रीनशॉट के ज़रिए मैच भी कराता रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी के अंदर एक सीन को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, नीचे मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं, जिसमें ये पूरा हुमायूं का मकबरा जो है ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो ये जो बगल में पार्क का ये पेड़ बना हुआ है ये आपको दिखाई पड़ रहा है, और ये दूसरे साइड का जो पेड़ है ये फ़िलहाल अब तो नहीं है लेकिन पीछे वाला अब भी दिखाई पड़ रहा है। फिल्म के अंदर का जो अगला सीन था वो कुछ इस तरीके से लिया गया था, जिसमें अभिषेक बच्चन यहाँ पर खड़े होते हैं प्रीति जिंटा जी को लेके और कहते हैं ये देखो ताजमहल, तो वो कहती हैं लाल पत्थरों का, तो अभिषेक बच्चन जी बोलते हैं कि सफ़ेद था किसी ने लाल पोत दिया है, तो प्रीति जिंटा जी बोलती हैं कि सही सही बताओ कहाँ लेके आए हो, तो अभिषेक बच्चन बोलते हैं कि हुमायूं का मकबरा। फिल्म के अंदर का जो अगला सीन है वो कुछ यहाँ पे शूट किया गया था, तो अभी ये देख सकते हैं ये एक छोटा सा यहाँ पे बना है तालाब और सामने ये जो दरवाज़ा है ये दिखाई पड़ेगा, और ये जो तालाब के आगे आप देख सकते हैं ये छोटा सा नाली बना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो स्क्रीनशॉट में ये भी दिखाई पड़ता है। तो इसी जगह पे खड़े होते हैं प्रीति जिंटा और अभिषेक बच्चन जी, और जो कैमरा एंगल होता है उनका वो कुछ इसी तरीके से दिखाई पड़ता है। तो बैक साइड में जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं इसका आप होल मैच कर सकते हैं, और बगल में ये जो पार्क है पार्क का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, ये भी सेम वैसे का वैसा है जैसे कि जब शूटिंग हुई थी उस टाइम पे था। तो वो जो सारा सीन था वो कुछ इसी एंगल से यहाँ पे लिया गया था। और दोस्तों, फिल्म के अंदर जो अगला सीन था उसको यहाँ पे लिया गया था कुछ इस तरीके से, स्क्रीनशॉट के ज़रिए आप मैच कर सकते हैं, जिसमें ये सामने मकबरे की जो दीवार है ये दिखाई पड़ेगी। और अगर ध्यान से स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो ये पार्क में जो खजूर का पेड़ लगा है ये भी दिखाई पड़ रहा है। तो जो फिल्म के अंदर सीन होता है कुछ इसी तरीके से दिखाया गया है, कैमरा एंगल कुछ इस तरीके से घूम रहा होता है, आप एक बार मैच कर सकते हैं। और यहीं पे खड़े होते हैं अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा, तो आके यहाँ पर बोलते हैं अभिषेक बच्चन प्रीति जिंटा से बोलते हैं कि ये देखो ताजमहल, तो वो कहती हैं सफ़ेद लाल पत्थरों का, तो अभिषेक बच्चन बोलते हैं कि इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे का ताजमहल घुमा सकूं, तो प्रीति जिंटा बोलती हैं कि आज से ही हुमायूं का मकबरा मेरे लिए ताजमहल है।
अब जो एंगल होता है वो गोल राउंड लेता है, तो जो सीन थे वो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे लिए गए थे। फिल्म के अंदर का जो सीन था वो यहीं पे शूट किया गया था। अभी हम चल रहे हैं इसके ऊपर और दिखाते हैं कि ये जो जगह है ये आपको ऊपर से किस तरीके से दिखाई पड़ती है। ये सबसे ऊपर आ गए हैं हम, और ऊपर साइड में देख सकते हैं कि ये जो यहाँ का स्पेस है ये काफ़ी बड़ा है, और पर्यटक लोग भी काफ़ी यहाँ पे आते रहते हैं। इस साइड में कुछ मज़ार है, और ये जो है पूरी की पूरी इमारत एकदम लाल रंग से रंगी है। यहाँ का मौसम आज काफ़ी चेंज है, तो जिस वजह से थोड़ा गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि अभी हल्का सा बूंदाबांदी भी हुई है और थोड़ी बहुत नमी है हवा में, तो जिस वजह से आज यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं बैक साइड का। और दोस्तों इसी गाने के कुछ सीन जो हैं वो अग्रसेन की बावली पे शूट किए गए थे, तो वहाँ का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे जाके आप देख सकते हैं, सुल्तान मूवी की शूटिंग लोकेशन उस पे लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वही सारे सीन इस साइड में भी लिए गए थे मूवी के कुछ, तो आपने स्क्रीनशॉट के ज़रिए मैच कर लिया होगा। और ऊपर आने के बाद सामने ही एक गुरुद्वारा है, ये देख सकते हैं। अब वो कौन सा है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन काफ़ी इधर टूरिस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो जिस वजह से ये जगह काफ़ी अच्छी लगती है घूमने में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो इमारत है ये पूरी लाल बलुआ पत्थरों से बनाई गई है, और यहाँ की एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दोस्तों आज की ये वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं एक नए वीडियो पे एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।